हेलो एंड वेलकम दोस्तों माय न्यू वीडियो। और आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ नया, तो चलिए देखते हैं क्या है नया। दोस्तों ये देखिए, जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पानी ही पानी है, और उस साइड ये चारों तरफ मतलब पानी ही पानी है। तो मतलब दो तीन दिन से बहुत ही अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरे खेतों में पानी भर गया है। तो मतलब यहाँ पर खड़े होके समुंदर जैसा लग रहा है, बीच जैसी फीलिंग आ रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे किनारे खड़े होके बीच जैसी फीलिंग कैसे आ सकती है। तो दोस्तों आप तो बहुत ही समझदार हैं, समझ गए होंगे कि बीच मतलब किनारा। तो वही समुद्र के किनारे की फीलिंग अभी आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत ही दूर दूर तक पानी भरा हुआ है और पूरा समुंदर बन गया है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक और इस साइड पूरा मतलब पानी से भरा हुआ है। ये देखिए इस साइड, वहाँ से मतलब जिस तरफ देखो केवल पानी, किसी और कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखिए, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं अभी बिल्कुल जस्ट इसी पानी के बगल पे खड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पर। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो दोस्तों कल तो बहुत ही बेकार दिन था। क्यों बेकार था वो भी बता दूँ आपको, क्योंकि कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच था और सेमीफाइनल काफ़ी बड़ा मैच था। जैसा कि परसों पानी बरस गया था, तो वही रिजल्ट डे पर मैच खिलाया गया था। तो दोस्तों उसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। और जिसमें कि धोनी ने थोड़ा स्लो खेला, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं ज्ञानी हैं जो ज्ञान पेल रहे थे अपना कि ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे नहीं, धोनी ने ऐसे खेला। तो एक्चुअली इतना प्रेशर था वहाँ पर, जैसा कि धोनी ने खेला वहाँ पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के भी खेलने पर फट जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर में आपको विकेट बचाना है या फिर रन निकालने समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये लगता है वो ज्ञानी ये भूल ही गए कि 2011 और 2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने ही भारत को दिलाया, और ऐसा टूर्नामेंट ICC का ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है जो धोनी ने ना जीता हो। तो मतलब धोनी बहुत ही अच्छे कैप्टन हैं, जिनको ये कहना बुरा होगा कि उन्होंने ही मैच हराया है। तो यही बात करना था मुझे क्रिकेट के बारे में। तो बहुत ही अब फिर 4 साल वेट करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, और अगला वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही है, देखते हैं क्या होता है। अभी 4 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज का वेदर तो बहुत ही मस्त है, टुडे वेदर इज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ही मस्त हवा चल रही है। और ये देखिए इस साइड हरियाली हरियाली है, मतलब जुलाई के महीने में बहुत ही मस्त लगता है। मतलब फुल शिमला और देहरादून का फुल मज़ा आप घर में ही ले सकते हैं, अपने जंगलों में, गांव में, खेतों में ले सकते हैं। तो काफ़ी मस्त दिन है आज का। लेकिन कल जो भारत के साथ हुआ, भारत हार गया, उसे सोच कर यार काफ़ी दुख होता है, हर्ट फील होता है। तो चलिए, मैच है, मैच के दो पहलू होते हैं, हार या जीत, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। और ये देखिए इस साइड मेरे पीछे का नज़ारा, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है यहाँ पर, तालाब या खेत सब भरे हुए, इतने ज़्यादा पानी बरसा है। तो 3 सालों से बहुत ही बेकार मौसम था, क्योंकि अच्छा पानी नहीं बरस रहा था, इस वजह से वाटर लेवल की भी कमी आ गई थी। तो इस साल शायद कुछ रिकवर हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है, नेचुरल बारिश बहुत भी मस्त है। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ये है मेरी बाइक, और अब हम निकलते हैं घर के लिए।